आपको बताएं बड़ी जानकारी, अंबाला में बैंक का एटीएम तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि बैंक रोड पर पंजाब एंड सिंध के एटीएम की ये घटना है, जहां ताला ना टूटने से एटीएम में रशा जो कैश है वो बचा है। हालांकि आपको बताएं कि सूचना मिलने के बाद एसएचओ थाना सदर मौके पर पहुंचे। तो अंबाला में बैंक का जो एटीएम है तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। अंबाला से बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। तो पंजाब एंड सिंध के एटीएम की ये पूरी घटना है, जहां ताला ना टूटने से एटीएम में जो कैश है वो बच चुका है। तस्वीरें देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार जुड़े हैं मेरे सहयोगी। राजकुमार, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये देर रात की घटना है और एटीएम है, ये बैंक है, बैंक के बिल्कुल पास सटा हुआ एटीएम है और यहाँ कोई भी जो गार्ड है वो उपलब्ध नहीं है। हालांकि जब से एसएचओ ने कार्यभार संभाला है और वो कई बार जो है वो बैंक अधिकारियों को चिट्ठी भी लिख चुके हैं और उनकी मीटिंग बुलाकर भी उन्हें स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि अपने बैंक के लिए जो है वो गार्ड उपलब्ध कराएं, नहीं अन्यथा जो है 8 बजे अपने एटीएम बंद कर दें। लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से आज ये घटना होते होते बच गई है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस बैंक में और भी कई चीजें देखने को मिली है। चोर ने जो ऊपर जाकर यूनियन ऑफिस का भी जो एसी है वो हटाकर अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ ना मिलने से नाकाम रहे हैं और मौके से चले गए हैं। उन्होंने इसके दरवाजे शीशे वाला ताला भी तोड़ा है, शीशा भी तोड़ा है, लेकिन बावजूद इसके उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एसएचओ का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो बैंक का जो शटर है नीचे का वो भी जर्जर हालत में है और बैंक अधिकारियों को जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैंक में काफी खामियां जो है एसएचओ ने गिनाई है। उनका कहना है कि ना तो गार्ड रखा है उन्होंने, ना ही इसका शटर ठीक है और ये एक अंधेरे में जो है एटीएम लगा हुआ है और इसकी सुरक्षा के लिए जो है गार्ड रखा जाना। राजकुमार, यहाँ पूरे घटनाक्रम को देखते हुए बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि यहाँ पर ये ऐसी कोशिश की गई? जी बिल्कुल, यही बात आपको बताई है कि एसएचओ का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बैंक अधिकारियों को बार बार गुहार लगाने के बावजूद वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और इसी वजह से जो है ये घटनाएं घटती है। और इस बैंक में भी जो है गार्ड नहीं था, लेकिन गनीमत यह रही कि चोरों से जो है ताला नहीं टूट पाया, नहीं तो लाखों रुपए का कैश जो था वो यहाँ से चला जाता। चलिए राजकुमार, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।